नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। मजदूरों के खून पसीने की कमाई का आधा हिस्सा ठेकेदार को प्रतिमाह काम पर रहने के बदले में देना पड़ता है, नहीं तो काम से हटा देने की धमकी दी जाती है। दरअसल यह मामला मैथन स्थित डीवीसी का है, जहां ठेकेदार के अत्याचार और शोषण का शिकार ठेका श्रमिक हो रहे हैं। मजदूर अपनी दर्द भरी आपबीती मीडिया से बताते हुए कहते हैं कि धूप में पसीना बहाकर मेहनत की कमाई का आधा हिस्सा प्रति महीना ठेकेदार के झोले में डालना पड़ता है। डीवीसी के पंप हाउस के वाटर सप्लाई के अंदर वर्षों से कार्यरत मजदूरों ने ठेकेदार जितेंद्र पांडे की अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री और धनबाद उपायुक्त से लिखित शिकायत की है। उनका कहना है कि डीवीसी के द्वारा सभी वर्करों को 10,000 रुपये प्रति माह वेतन बैंक के माध्यम से खाते में दिया जाता है, लेकिन वह महज एक दिखावा है। ठेकेदार को अपनी गाड़ी कमाई का आधा हिस्सा नगद में देना पड़ता है, नहीं तो ठेकेदार काम से हटा देने की धमकी देते हैं। मजदूरों का कहना है कि पेमेंट के 10,000 रुपये ठेकेदार को काटकर 4,800 रुपये देने पड़ते हैं, यहाँ तक कि ईपीएफ का पैसा भी प्रतिमाह काट लिया जाता है, लेकिन वो जमा नहीं होता है। आवाज़ उठाने पर बार बार ठेकेदार द्वारा काम से हटा देने की धमकी दी जाती है, जिसकी जानकारी हम लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री और धनबाद उपायुक्त को लिखित में की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि ठेकेदार द्वारा मजदूरों का शोषण और अत्याचार किया जा रहा है। इस संबंध में डीवीसी के डीजीएम एसके लाल दास ने कहा कि प्रत्येक ठेका मजदूरों को बैंक के माध्यम से उनके खाते में पेमेंट दिया जाता है। अगर ठेकेदार द्वारा दबाव, धमकी या अत्याचार किया जा रहा है तो निडर होकर इसकी जानकारी डीवीसी प्रबंधन से करें। ठेकेदार वर्करों को किसी भी प्रकार से शोषण नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह मामला डीवीसी का है, इसलिए डीवीसी प्रबंधन इसकी गहराई से जांच करेगा और इसमें जो संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि डीवीसी में ठेकेदारी कार्यों में भ्रष्टाचार पूरी तरह से हावी हो चुका है। प्रबंधन और ठेकेदार की मिलीभगत से ठेका में काम करने वाले मजदूरों का शोषण किया जाता है। सरकार द्वारा जारी मजदूरी को देने में भी आनाकानी की जाती है। हालांकि इस मामले में मीडिया ने ठेकेदार जितेंद्र पांडे से अपना पक्ष रखने को कहा तो कैमरे में ना बोलते हुए उन्होंने कहा कि मजदूरों द्वारा लगाया गया आरोप सरासर निराधार है। क्या समस्या है पेमेंट के लिए? पेमेंट ईपीएफ का, जैसे हम लोग का पेमेंट होता था बैंक में 10 से 12 हज़ार रुपया पेमेंट वापस लिया जाता था, 200 रुपया हाजिर दिया जाता था, बाद बाकी पैसा वापस लिया जाता है। आयुष्मान इसके बाद ईपीएफ भी हम लोग को फुल नहीं दिया जाता, 10 दिन 9 दिन का ईपीएफ जमा होता है। मैंने आप लोग का 10 से 12 हज़ार पेमेंट आता था बैंक में और पैसा फिर 200 रुपये हाजिरी के हिसाब से देता था, 6,000 52,000 और बाकी पैसा रिटर्न देना पड़ता था। यहाँ का ठेकेदार कारण बताता है कि 45,000 का काम 19 लाख में। यहाँ का ठेकेदार कौन है? जितेंद्र पांडे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह। मेरा नाम रंजन मुर्मू। समस्या भैया? समस्या यही है कि सर हम लोग को पेमेंट काम है, ठीक है, 200 रुपया पार्टी के हिसाब से दिया जाता है, तो उनसे बोलते हैं हम लोग का 43,000 का काम है, 19 लाख में लेते हैं, काम में लेते हैं, हम लोग का मतलब कंपटीशन में लेना पड़ता है, वो लोग उस समस्या बताते हैं। अब पेमेंट आप लोग का बैंक में घुसता है? जी बैंक में घुसता तो है 11,000-10,000 का भी, लेकिन 5,200 देने के बाद सब तो ये और बाकी पैसा आप लोग किसको देते हैं? वही जो ठेकेदार का आता है या ठेकेदार का आदमी को भेजता है हम लोग का पास। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है आपका ये ठेकेदार का क्या नाम है? जितेंद्र पांडे। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जो चल रहा है उसमें कॉन्ट्रैक्टर का 16 या 17 लोग हैं काम कर रहे हैं, उनका पेमेंट जो है बैंक में
ग्यारह हजार समथिंग जाता है एज पर रूल जो जा रहा है वो। उसके बाद उन लोगों का नाम है कि हम लोगों को पैसा वापस 5200 रुपया रख के वापस करना पड़ता है कॉन्ट्रैक्टर को। मेरा एक कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए वो पैसा कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं कि किसको दे रहा है ये तो कहना मुश्किल है, ये तो कर्मचारी लोग ही बता पाएंगे। नहीं, कर्मचारी का ही कहना है सर कि हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को वापस कर दें। हम लोग का काम है पेमेंट कराना, पेमेंट एज पर रूल जो स्टैट्यूटरी पेमेंट है उनका एक रुपया भी कम नहीं मिल रहा। सारे बैंक जो प्रोविजन के हिसाब से बैंक अकाउंट में हम लोग उसको जमा करा दे रहे हैं, और उसके बाद अब वो निकाल कर किसको दे रहे हैं क्या दे रहे हैं हम लोग तो अब तीसों दिन तो उसको सुपरवाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। खैर, ऐसे शिकायत मिलने पर फिर भी हम कर्मचारी को ये भरोसा दिलाएंगे, सारे जो कार्यरत मजदूर हैं उनको भरोसा दिलाएंगे कि उनको पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्टर को, और वो बिना डरे हुए काम करें। उनको जो धमकी देता है कि हम उनको काम से निकाल देंगे वो निकाल नहीं सके, इस बात का हम एश्योरेंस आपको देते हैं। जब जॉब सिक्योरिटी अगर मिल जाएगी उसके बावजूद अगर कोई दे रहा तो हम नहीं। नहीं सर, उन लोग पिछले कुछ दिनों पहले नोटिस करके वो लोग किया था इस तरह से। नहीं नहीं, मेरे तो काम से निकाल दिया गया था। काम पर अब नहीं निकाल पाएंगे ना, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं। कल मेरे ये संज्ञान में आया एक चीज, उस पर साइन भी है मेमोरेंडम पर जी। हम इस संदर्भ में बात कर रहे हैं और जो कंसर्न इंजीनियर है उनको लेके हम ठेकेदार को लेके बैठेंगे कि ये आप गलत काम नहीं कीजिए, और आप किसी को बिना नोटिस दिए हुए या कुछ बिना हम लोग का अति का आप किसी को निकाल नहीं सकते। इस कारण से मैंने इस कारण से आप नहीं निकल सकते है ना।